पपी को जो प्रॉब्लम हुई थी वो लाखों डॉग्स में से एक डॉग को होती है। सारे पपीज को छोटे छोटे वूंड हो रखे थे जिसमें गड्ढे हुए हुए थे, मतलब ये मैगेट वूंड बन चुका था। कि गए वेट ने बोला कि अब तो इसको चीरा लगेगा और तब ये पस फ्लश की जाएगी और फिर इसके बैंडेज। पार्वो का ट्रीटमेंट चला मैडम का। एडॉप्शन के लिए हमने पिक्चर्स वगैरह सर्कुलेट करी पर पप्पी इतनी ज्यादा भद्दी दिखती थी उस टाइम पर और धीरे 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 मुंह बंद होता गया। अगस्त सितंबर अक्टूबर आते आते पप्पी का बिल्कुल ही मुंह बंद हो गया और डॉक्टर्स ने जबरदस्ती इसका मुंह खोलने की कोशिश करी। उसे बहुत दर्द होता था, उसका पूरा सर अंदर धंस गया। इस प्रॉब्लम को मसल एट्रोफी कहा जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोरा फौना बाय मेशिका। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पप्पी की जो पुरानी प्रॉब्लम है वो काफी उभर कर आ रही है, पर मैंने आपको ये नहीं बताया था पप्पी को एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। और इसको जानने के लिए आपको पप्पी की पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी कि उसको हमने किस तरह से किस कंडीशन में रेस्क्यू किया था और कब रेस्क्यू किया था और उसके बाद क्या हुआ। पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, पप्पी को जो प्रॉब्लम हुई थी वो लाखों डॉग्स में से एक डॉग को होती है और इसका कोई इलाज ऐसा होता नहीं है। बस एक ये मेरेकल हुआ कि पप्पी बच गई, अदरवाइज सारे वेट्स ने ये बोल दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है और बस जो भी हम मेडिसिन जो भी हम इसको दवाइयां दे रहे हैं वो एक आप लगा लीजिए एक्सपेरिमेंट है। अगर ठीक हो गई तो बहुत अच्छी बात है, पर धीरे 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 कर कर ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और हमारे पास उस टाइम पर कुछ भी नहीं था, हमने हर जगह अप्रोच लगा ली थी, हमने हर एक वेट को, दिल्ली के हर एक वेट को, गुड़गांव नोएडा हर जगह हम चले गए थे दिल्ली एनसीआर में। इवन हमने ऑनलाइन कंसल्ट किया था यूएसए में बैठे वेट्स को भी, तो वहाँ पर भी यही आंसर था कि इसका कोई इलाज नहीं होता पर हम कोशिश कर सकते हैं इस कंडीशन को कंट्रोल करने की। तो ये प्रॉब्लम क्या है और पप्पी को ऐसा क्या हुआ था कि डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट मतलब सही हो गया और पप्पी बच गए। तो ये पूरी बात जानने के लिए आपको पप्पी की पूरी कहानी सुननी पड़ेगी कि हमने पप्पी को कब, कहाँ और किस कंडीशन में रेस्क्यू करा था और ये सिचुएशन क्यों बनी। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं पप्पी की, कि पप्पी कब और कैसे हमारी लाइफ में आई और उसने हमारी तो पूरी लाइफ बदल दी। तो ये बात है 2016 सितंबर की, जब मेरे पास, आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मेरे पास एग्जैक्टली क्या हुआ था। मेरे पास कोई मैसेज आया शायद ग्रुप में, या कॉल आई थी, या फिर मैं खुद उस जगह पे गई थी, मुझे याद नहीं है क्योंकि इसको 7 साल हो गए हैं। उस टाइम पर इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि हमें पता नहीं था कि पप्पी हमारी इस तरह से पेट बनने वाली है। मैं बहुत एक्टिवली उस टाइम पर रेस्क्यू करती थी अपने आसपास के एरिया में, जा जा के डॉग्स को उठा के, या कोई और भी एनिमल्स होते थे, कैट्स, डॉग्स, काउ, कोई भी जो भी इंजर्ड होता था उनको हम ट्रीटमेंट देते थे, ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट भी देते थे। इवेंट भी हम करते थे कि संडे संडे जाकर जितना कवर हो पाए एरिया उतने एरिया के डॉग्स को हम वैक्सीनेट कर पाएं और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करवा पाएं। तो सितंबर 2016 में मैं गई उस जगह पे जहाँ पे ये लिटर था, पप्पी के सारे सिबलिंग्स थे, पप्पी के आई गेस टोटल ये फाइव सिबलिंग्स थे और मदर। तो जिस पार्क में पप्पी हुई थी, एक तो उस पार्क की बहुत बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन थी और जब जाके देखा तो सारे पपीज़ को छोटे छोटे वूंड हो रखे थे जिसमें गड्ढे हुए हुए थे, मतलब ये मैगेट वूंड बन चुका था। तो मैगेट वूंड बहुत ईजी होता है ट्रीट करना, उसमें मैगेट वूंड के लिए मेडिसिन डाली जाती है, जब मैगेट्स मर जाते हैं उनको रिमूव करके प्रॉपर बैंडेज करके आप मतलब डॉग या कैट जिसको भी है उसको बचा सकते हो। बहुत इजीली फैलता है, जब गर्मी होती है मक्खियाँ आती है, थोड़ा सा भी वूंड, थोड़ा सा भी ओपन वूंड या गीली जगह होती है वहाँ मक्खी अंडे दे देती है, वो मैगेट्स के रूप में बदल जाते हैं और धीरे धीरे वो बॉडी को खाने लग जाते हैं। तो जब मैंने जाके देखा तो 5 सिबलिंग्स थे पप्पी को मिलाकर और उनकी मदर थी। मदर तो थोड़ा डरी हुई थी, वो इतना पास में नहीं आती थी हमारे,
तो पपीज का हमने ट्रीटमेंट शुरू करा, मेडिसिन डालकर क्लीन करके हमने मेडिसिन उनको खिलाई भी। पर जैसे जैसे मैंने देखा कि पप्पी को ही, बाकी सारे सिबलिंग्स ठीक हो गए, पर ये पप्पी को प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जहाँ पे वुंड था वो उसका शोल्डर, शोल्डर का अपर पार्ट था और स्टमक के साइड में था, दो जगह पे मैगेट वुंड था। अब पप्पी के क्या हो रहा था, मैगेट वुंड तो ठीक हो रहा था बट अंदर ही अंदर पस बने जा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग गई थी। हम उसको वेट के पास लेके गए, वेट ने बोला कि अब तो इसको चीरा लगेगा और तब ये पस फ्लश की जाएगी और फिर इसके बैंडेज होगी। तो हमने कहा ठीक है। उस टाइम पर हर एक डॉग या पपी या कैट को घर में लाकर ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी पेट्स होते थे, पर फिर भी somehow we managed कि पपी को और पपी के एक और सिबलिंग को हम दोनों को घर पर ले आए थे। उनका मैगेट वुंड का जो एब्सेस हो गई थी वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा कर, फ्लश आउट करवा कर, उसको काफ़ी दिन, लगभग एक हफ्ते करीब हमने अपने पास रखा था, उसके बाद ठीक हो गए थे। हमने वापस उनको उनकी जगह पे ले जाके रिलीज कर दिया। अब जो पप्पी का दूसरा सिबलिंग था, जिसका नाम हमने गुंडा रखा था, उसकी हरकतें ही गुंडों वाली थी, मारता था बहुत पपी को, और पपी बहुत छोटी सी थी, उसके सामने मतलब आप लगा लो आधे साइज की और वो इतना बड़ा। तो जो गुंडा था वो तो एडजस्ट हो गया अपनी जगह पे जब हमने रिलीज करा, पर पपी को बाकी सारे डॉग्स भी अटैक करने लग गए, तो पपी बहुत ज्यादा डर गई। अब हमारे साथ एक हमारी आंटी होती थी जो इन सब में हमारी हेल्प कर रही थी, क्योंकि ये उनके एरिया के पास में डॉग्स हुए थे। आंटी रात को पपी को उठा के अपने घर ले गई कि ये वहां पे नहीं सर्वाइव कर पा रही। मेरे पास फोन आता है कि ये वहाँ पे तो भैया नहीं रुक पा रही, इसका कुछ करो, बाकी डॉग्स इसको मार रहे, मर जाए। तो अगेन हम उसको वापस घर ले आए, और जब घर लाए तो फिर देखा उसमें पार्वो के सिम्टम्स भी डेवलप होने लग गए, और जाके देखा तो उसके सिबलिंग्स में से फिर एक आधे को पार्वो के सिम्टम्स डेवलप होने लग गए। तो उस केस में बाकी लेटर से जिनको भी सिम्टम्स होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है, जिससे कि उनका ट्रीटमेंट हो पाए और बाकियों को इन्फेक्शन ना हो पाए। तो अलग कर दिया, पार्वो का ट्रीटमेंट चला मैडम का, दोनों फिर से ठीक हो गए। फिर हमने कोशिश करी कि अब चलो थोड़े बड़े हो गए हैं, शायद पपी वहाँ पे एडजस्ट हो जाए, तो हमने वापस ले जाके उसे छोड़ा। तो उसका अगेन वो दूसरा सिबलिंग तो एडजस्ट हो गया, बट मैडम फिर भी नहीं हो पाई। इसको फिर अगेन हम वापस अपने घर ले आए। अब हमने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी घर में डॉग्स हैं, हमारी फैमिली अब अलाउ नहीं कर रही थी कि आप एक भी और डॉग रखो, और खुद हम जॉब करते हैं, हम घर में नहीं होते, कैसे हैंडल करेंगे ये सारी चीजें। तो हमने डिसाइड किया चलो हम अब पपी को एडॉप्शन के लिए देते हैं और कोशिश करते हैं इसका एडॉप्शन हो जाए। एडॉप्शन के लिए हमने पिक्चर्स वगैरह सर्कुलेट करी, पर पप्पी इतनी ज्यादा भद्दी दिखती थी उस टाइम पर तो कोई भी उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं था, किसी ने भी उसको एडॉप्ट नहीं किया। फिर वो धीरे धीरे हमारी फैमिली में ही रहने लग गई, हमारे दो और पेट्स थे उनके साथ खेलना कूदना उसका शुरू हो गया। अब क्योंकि पप्पी सिर्फ अभी कुछ महीनों की थी, जुलाई और अगस्त के टाइम की बात है, जुलाई अगस्त 2017 में, धीरे धीरे हम देखते हैं कि पपी उबासी नहीं ले पा रही, मुंह खोल नहीं पा रही, मतलब खोल रही है बट थोड़ा कम, जैसे कि इतना खोलते हैं जब भी कोई भी डॉग उबासी लेता है, इतना खोलते हैं, पर पपी सिर्फ इतना खोल पा रही है। अब हमें ये सिचुएशन समझ में नहीं आई, ये ऐसा क्यों कर रही है। अगस्त में ये शुरू हुआ और अगस्त से धीरे धीरे उसका और धीरे 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 मुंह बंद होता गया। तो हमने डॉक्टर्स को दिखाना शुरू करा कि ये क्या हो रहा है, इसका मुंह क्यों बंद होता जा रहा है। तो सारे डॉक्टर्स को हमने दिखाया, अगस्त सितंबर अक्टूबर आते आते पप्पी का बिल्कुल ही मुंह बंद हो गया, और इतना सा आप कह सकते हैं इतना सा स्पेस था जिसमें से वो लिक्विड डाइट कंज्यूम कर रही थी, अदरवाइज कुछ भी वो हार्ड नहीं खा सकती थी। डॉक्टर्स ने बोला इसको लिक्विड ही देना है, और डॉक्टर्स ने जबरदस्ती इसका मुंह खोलने की कोशिश करी, उसे बहुत दर्द होता था, तो पर मुंह खुलता, थोड़ा बहुत खुलता था। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, एक्सरे हुआ कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, जो भी टेस्ट डॉक्टर ने बोले वो सब हमने करवाए। फिर हम देख रहे थे कि जो पप्पी का हेड है, जैसे कि मैं आपको पिक्चर में अभी दिखा दूंगी, इस हेड की साइड पर मसल बिल्कुल ही श्रिंक हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गई, उसका पूरा सर अंदर धस गया।
अब सर अंदर धस गया, ये तो समझ में आ रहा है कि मसल धीरे धीरे मतलब कम होती जा रही है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले हेड की ही मसल जाती है। पर डॉक्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुंह क्यों नहीं खोल पा रही। तो जब हमने काफ़ी सारे वेट्स को दिखाया, कंक्लूजन पे पहुँचे, तो इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को मसल अट्रॉफी कहा जाता है, जिसमें बॉडी की धीरे धीरे पूरी मसल श्रिंक होने लगती है। और एक दिन डॉक्टर ने बोला कि ये धीरे धीरे इसकी पूरी बॉडी की मसल श्रिंक हो जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं है। अब हम सब बहुत ज़्यादा घबरा गए, हमने कोई भी दिल्ली का डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा जिसको हमने पप्पी को नहीं दिखाया हो। अगर किसी ने थोड़ा सा भी बोला कि इन वेट को दिखा के देखो, ये आपकी शायद प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो हम वहाँ पे भी लेकर भागे। पर हर जगह हमारे को यही आंसर मिलता रहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप मेडिसिन देकर देख लो। मेडिसिन तो हम खिला ही नहीं सकते थे उसको, या तो फिर इंजेक्शंस लगते, बहुत इंजेक्शंस लगवाए। फिर डॉक्टर राणा है नीति बाग में, उनसे डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा कि हम इसको स्टेरॉइड देकर देखते हैं, क्या पता स्टेरॉइड से कंडीशन कंट्रोल में आ जाए। बट मैं गारंटी नहीं ले सकता, ये सिर्फ एक हम कोशिश कर सकते हैं। हमने कहा ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमने पपी का स्टेरॉइड नवंबर में स्टार्ट करा और उसको लिक्विड डाइट हम देते रहे, जैसे कि बिल्कुल ही क्रश करके राइस, वेजिटेरियन सूप और वेजिटेबल्स डाल के सारा बना के वो हम पपी को दे रहे थे, और पपी खा भी रही थी, टच वुड, उस टाइम पर। अब ये इंजेक्शन पपी को पहले जो स्टार्ट हुए, पहले तो ट्वाइस अ डे ऐसे ऐसे चलते रहे, हम डेली वेट के जा रहे हैं, एक महीना चले, अभी भी मुंह नहीं खुला। फिर डॉक्टर ने फिर मुंह खोलने की कोशिश करी, नहीं खुला। इस दौरान में पपी इतनी ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि जितने भी हमें वेट्स मिलते थे वो सब मेल होते थे। अब पपी को लगता था कि ये जो मेल लोग होते हैं ना, ये इनसे मुझे डरना है, क्योंकि मेरे ज़बरदस्ती मुंह खुलते हैं और मुझे दर्द होती है। तो पपी ने मेल लोगों से डरना शुरू कर दिया। इस दौरान पपी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, पर प्लस पॉइंट ये था कि उसने खाना नहीं छोड़ा। वो जो भी हम उसको देते थे खाने के लिए, वो फटाफट गल्प करके खा जाती थी। तो अब नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया। दिसंबर में डॉक्टर ने बोला कि अब हम इसको और ज़्यादा स्टेरॉइड नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम इसे स्टेरॉइड ही देते रहे और अभी तक काम नहीं कराए, तो स्टेरॉइड लाइफ में फिर इसके ऊपर कभी काम नहीं करेंगे। तो इट्स बेटर अब हम धीरे धीरे इसको बंद कर देते हैं और फिर देखते हैं, अगर खुलता है तो ठीक है, नहीं खुलता तो फिर जब तक है तब तक है, तब तक आप सेवा कीजिए। पर जनवरी में बंद कर दिया, और फरवरी में एक दिन हम सुबह क्या देखते हैं, मैडम मुंह खोल के फिर वही उबासी ले गई है और पूरा मुंह खोल रही है। और हम सब इतने ज़्यादा खुश थे कि हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, पर वो बच्चा भी जीना चाहता है, तभी उसका मुंह खुल गया और ये चमत्कार हो गया। और हमने सारे डॉक्टर्स को बताया, डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हुए कि इसने इसका मुंह खुल गया। अब वो स्टेरॉइड की वजह से ही होगा जहाँ तक हमें लगता है। खैर उस टाइम पे मुंह खुल गया और सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी और अभी तक चल रही है। आज पप्पी, आज नहीं मतलब अब पप्पी 7 साल की हो गई है एंड शी इज़ फिट एंड फाइन। तो मैं डॉक्टर के अब दोबारा लेकर गई थी इसको कि इसका धीरे धीरे फिर से मुंह थोड़ा कम खुलने लगा है। तो डॉक्टर ने कहा अभी भी हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते, कोई भी मेडिसिन है नहीं और अभी सिचुएशन भी इतनी ज़्यादा उभर कर नहीं आई है, तो अभी हम सिर्फ इसको B12 और विटामिन डी देते हैं, जिससे थोड़ा जो भी इसके डेफिशिएंसी होगी वो पूरी हो पाए। पर पपी का अभी भी हेड वाला जो पार्ट है उसमें मसल नहीं है, वो पूरा दबा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर बिल्कुल ही बोन्स विजिबल है, अदरवाइज शी इज़ सुपर एक्टिव।
बहुत अच्छे से खाना वाना सब कुछ खाती है, सब कुछ ठीक है उसका। अब यही पपी की स्टोरी है। मसल एट्रोफी का एज सच कुछ इलाज नहीं होता, मैंने इतने सारे आर्टिकल्स देखे, सब कुछ देखा, पर मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। मगर अगर आपको भी ऐसा कोई डॉग मिले, जबकि पप्पी तो इंडी थी, इंडीज में ये सिचुएशन कैसे हुई किसी को नहीं पता, ये बड़े डॉग्स में फिर भी होती है, मतलब ये उभर कर आई है, काफ़ी सारे केसेस आए हैं। पर अगर आपके पेट को या किसी और के पेट को भी ये प्रॉब्लम है, इसका इलाज पप्पी के केस में तो सिर्फ स्टेरॉयड ही काम आए थे, जहाँ पे पप्पी का मुंह भी खुल गया और उसका अब बाकी बॉडी की मसल श्रिंक नहीं हो रहे, बट हेड पे कभी मसल आए नहीं है। अगर आपके नोन में भी किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे वीडियो पर अगर ऐसा कभी भी आपने एक्सपीरियंस किया है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं और भी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगी, और आप मेरी वीडियो के थ्रू ये जान पाएंगे कि अगर ये सिचुएशन आती है किसी के साथ तो हमें एग्जैक्टली क्या एक्शन लेना चाहिए। इस वजह से मैंने कुछ डॉग्स खोए भी हैं अपने और कुछ बचाए भी हैं। तो आगे भी आप बने रहिए, आगे भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं। Thanks for watching my video.